हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र एमआर स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र एमआर यादव। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित में अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति अनुपात का प्रश्नावली 8.4 देखेंगे और उसी का प्रश्न संख्या 1। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए से के और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है यानी कॉट के रूप में सबका आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। और इसमें देखिए तो ये समकोण दिखाएगा यानी कि 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है। इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम बी रख दिए और इसका सी। यहाँ कहता है कॉट ए, कॉट ए के पदों में लिखना है तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए। कॉट ए बराबर देखिए तो कॉट ए, तो कॉट ए का सूत्र होता है आधार बटा लंब। कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, तो नहीं कुछ तो नीचे एक हो जाएगा। अब देखिए तो कॉट का मान कॉट ए का मान आधार हो जाएगा यानी आधार का मान कॉट ए हो जाएगा और लंब का मान जो है एक हो जाएगा। अब देखिए तो इस त्रिभुज में इसको लंब कहते हैं जो लंब है और जो नीचे की ओर सीधा है उसको आधार बोलते हैं और इसे कर्ण कहते हैं यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा को आधार कहते हैं। अब देखिए तो लंब का मान एक है तो यहाँ एक लिख देंगे और आधार का मान यहाँ कॉट ए है तो कॉट ए। कर्ण का मान निकालना है तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण बराबर सूत्र होता है तो लंब के स्क्वायर, लंब कितना है एक, तो यहाँ एक का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान दिया हुआ है कॉट ए, तो कॉट ए का स्क्वायर। अब देखिए तो एक का स्क्वायर यहाँ एक हो जाएगा प्लस है तो प्लस कॉट का स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए यानी कर्ण बराबर निकल गया रूट अंदर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे रूट अंदर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करना है, यहाँ प्रश्न में कहा गया है साइन ए सेक ए और टेन टेन को लिखना है, साइन सेक और टेन को, तो यहाँ लिखेंगे साइन साइन ए बराबर, उसके बाद निकालना है सेक ए, उसके बाद निकालना है टेन ए। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। उसके बाद सेक का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, तो लिखेंगे कर्ण बटा आधार। टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लिख दिए। अब यहाँ साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान जो है एक दिया हुआ है तो एक लिखेंगे और कर्ण का मान यहाँ से लिख देंगे रूट अंदर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। कर्ण का मान यहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटा में आधार, तो आधार का मान है कॉट ए, तो कॉट ए। टेन ए बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान है एक, तो यहाँ एक लिखेंगे और आधार का मान है कॉट ए, तो कॉट ए। यानी साइन ए सेक ए और टेन ए को सभी को कॉट ए के पदों में लिखना था तो ये कॉट ए के पदों में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 2 देखिए तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो सबसे पहले आपको हल लिखना है और हल जब करेंगे तो यहाँ कहा गया है सेक ए के पदों में सभी को लिखना है, सेक को छोड़कर सभी अन्य को। तो यहाँ फिर से समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण दिखा रहा है 90 डिग्री। यहाँ ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी। इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं, तो यहाँ सेक ए कहा, तो यहाँ लिखेंगे सेक ए बराबर, तो सेक ए का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा
आधार, नहीं कुछ तो नीचे एक हो जाएगा और कर्ण का मान जो है सेके हो गया और आधार का मान जो है एक हो गया। तो कर्ण के स्थान पर लिख देंगे सेके और आधार के स्थान पर लिख देंगे एक। लंब का मान निकालना है तो लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ अब क्या करना है, जैसे यहाँ कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है सेक है, तो सेक एक का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे सेक का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस है तो माइनस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, यानी लंब बराबर जो हो गया रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस एक। तो यहाँ लिख देंगे रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस एक, ये जो है लंब बराबर निकल गया है। अब हमको अन्य सभी यानी सेक को छोड़कर सभी को निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए, सेक का नहीं निकालना है, उसके बाद कोसेक ए, सेक का नहीं निकालना है, तो साइन ए, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, टेन का होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लिखेंगे, और कॉट का इसी का उल्टा कर देंगे यानी कि आधार बटा लंब, और कोसेक का साइन का उल्टा कर देंगे यानी कर्ण बटा लंब। अब सबका मान लिख देना है, सबका जब मान लिखेंगे तो साइन का तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हो गया रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा में कर्ण, तो कर्ण का मान है सेक ए, तो सेक ए लिख दिए। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान यहाँ से एक है तो एक लिखेंगे, और कर्ण का मान दिया हुआ है सेक ए तो सेक ए लिखेंगे। अब टेन ए बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान दिया हुआ है रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा आधार, तो आधार का मान एक है तो नीचे एक, यानी नीचे वाला एक का कोई वैल्यू नहीं, सीधे लिख सकते हैं रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटा में एक, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। कॉट ए बराबर आधार बटा लंब, तो आधार का मान है एक तो एक ऊपर लिखेंगे, और लंब तो लंब का मान दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। कोसेक ए बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का मान दिया हुआ है सेक ए बटा लंब, तो लंब का मान दिया हुआ है रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस एक, यही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, तो साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए और कोसेक ए का मान निकाल सकते हैं, वे भी सेक ए के पदों में यानी सेक के रूप में, सब में सेक है। प्रश्न संख्या तीन, मान निकालिए। तीन का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अबटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर दोनों में से कोई एक को चेंज करना है, 63 और 27 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है, और बटा में 17 प्लस 73 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, यानी ऊपर दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे और नीचे दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे। तो ऊपर जैसे है यहाँ साइन स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस, और 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 हो जाएगा, तो 90 में से अगर 27 को घटाते हैं तो ये 63 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर, तो कॉस यहाँ लिखेंगे 90 माइनस, 90 में से कितना घटाएंगे कि 17 डिग्री हो जाएगा, तो 90 में से अगर 73 को घटाएंगे तो यहाँ 17 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा की जगह पर 27 है तो यहाँ 27 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस
उसके बाद साइन स्क्वायर 27। उसी प्रकार यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो कॉस की जगह पर अब यहाँ साइन लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है, थीटा की जगह पर 73 है तो यहाँ 73 लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब क्या करना है, जैसे यहाँ सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र है, तो यहाँ एक लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ 27 है, दोनों जगह 27 है तो मान लेना है थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब एक से एक कट जाएगा तो इसका आंसर जो है इस प्रश्न का एक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का 2 देखिए, तो साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर देखना है कि 90 डिग्री, जैसे 25 और 65 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री, फिर 25 और 65 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री, तो दोनों में से कोई एक को चेंज करना है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 25 है तो क्या करेंगे 90 माइनस, 90 में से कितना घटाएं कि 25 हो जाएगा, तो यहाँ 65 घटाते हैं तो साइन 90 माइनस 65 तो कितना आ जाएगा 25, 90 में से 65 घटाते हैं तो 25, यहाँ कॉस 65 है तो कॉस 65 रखना है, दोनों में से कोई एक को चेंज करना है, उसके बाद यहाँ कॉस है तो कॉस 90 माइनस, 90 में से कितना घटाएंगे जो 25 हो जाएगा, तो यहाँ 65 घटाएंगे, उसके बाद यहाँ साइन 65 है तो साइन 65 रहने देना है, दोनों में से कोई एक चेंज करना है, साइन 90 माइनस थीटा तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 65 है तो 65 इंटू मतलब गुना होता है कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह 65 है तो 65 हो जाएगा, और यहाँ इंटू मतलब गुना, फिर साइन 65 कॉस गुना कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह 65 है तो 65 लिख देना, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा की जगह 65 है तो 65, दोनों जगह 65 है तो 65 लिखना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो एक लिखेंगे, तो उसी प्रकार यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो एक आंसर हो जाएगा। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।